कमलेश कुमार गर्मवादी फिल्म ट्रेलर के रिव्यू के साथ में। तो इसी कड़ी में एक और फिल्म है जो 15 मार्च को रिलीज हो रही है, जिसका नाम है योद्धा। सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टार फिल्म है। इस फिल्म में भारतीय आर्मी के बारे में दिखाया गया है और जैसा कि पिछली कई फिल्मों में दिखाया जाता रहा है कि कैसे एक देशभक्ति और वीर योद्धा के अंदर कैसे जुनून होता है, कुछ कर गुजरने की एक ताकत होती है, इसी सब मुद्दों को लेकर के ये फिल्म आ रही है 15 मार्च को, जिसका नाम है योद्धा। इस फिल्म को आप सभी लोग देख सकते हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे जब एक आर्मी सोल्जर अपने मन में ठान लेता है और वह कर गुजरता है, और जब वो कर गुजरता है तभी वो एक योद्धा कहलाता है। इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर के इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि जो सिद्धार्थ मल्होत्रा है वो किसी न किसी एक मिशन को अंजाम देते हैं और वो अपर अधिकारियों के कहीं ना कहीं संज्ञान में नहीं होता है, जिसके चलते एक कमेटी बिठाई जाती है और उस पूरी टीम को उस मिशन तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। तो वहीं ट्रेलर में एक और चीज दिखाई गई है कि कैसे एक प्लेन को हाईजेक किया जाता है और उस प्लेन को हाईजेक किए हुए जो आतंकवादी होते हैं उनके चंगुल से छुड़ाने के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा यानी कि योद्धाओं की एक टीम जाती है और उन्हें कैसे नस्तनाबूत कर देती है और उस प्लेन में जो सुरक्षित यात्री होते हैं उनको सुरक्षित बचा लेते हैं। तो देशभक्ति के सिलसिले में ये फिल्म आप जरूर देखें और इस फिल्म को देख करके ही पता चलेगा कि इसमें भी कितनी वीरता और शौर्यता और कितना देश प्रेम है। तो इसी तरह से देश प्रेम बनाए रखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और आने वाली ये फिल्म योद्धा सिनेमा घरों में या OTT प्लेटफॉर्म पे जाकर के एक बार अवश्य देखिए। और इस फिल्म के अगर हम डायरेक्टर की बात करें तो सागर अंबारे और पुष्कर है। वही इस फिल्म के स्टार कास्ट में आपको नजर आएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा और दिशा पटानी। वहीं अगर हम राइटर की बात करें तो इसके राइटर हैं सागर अंबोरे और इसकी सिनेमेटोग्राफी की है जीतू भट्टाचार्य ने। तो इस फिल्म ट्रेलर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए फिल्म ट्रेलर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।